तो जानते ही हूँ, बहुत बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये नवासी में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुए, एमपी हुए। और जब कोई देखिए घटना इन्होंने जब हुई तो इनको एफआईआर हुई तो उनको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो अदालतों ने भी कई बार इनके जो भी थी अदालतें ने भी संज्ञान में लिया है, सजाएं भी। अगर कहीं पर भी हत्या हुई थी उमेश पाल की तो पूरी तरह से गिरफ्तार करना चाहिए था, और घटना होनी भी नहीं चाहिए था जब धनाधिकार सब सुविधाएं थी। तो पूरी तरह से देखिए लाइन ऑर्डर इनका फेल, इंटेलिजेंस फेल, पकड़ क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों घटना हुई। और उसी तरीके से देखिए अतीक और इनके जो वैसे ठीक है जेल में थे, जेल से बाहर आए पुलिस संरक्षण में थी, पुलिस संरक्षण में थे और ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहाँ बरसा, इंटेलिजेंस फेल, लाइन ऑर्डर फेल। तो पूरी तरह से सरकार की देखिए विफलता। अब जब पूरी सरकार की विफलता है तो इस तरह की ये जो बातें हो रही हैं विफलता को छिपाने के लिए, लाइन ऑर्डर जो दोस्त है अभी देख ही लिया लाइन ऑर्डर इनका। और फिर जो भी हत्या करने वाले लोग हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, कितना फोर्स लगा था, कितने अच्छे फोर्स पर हथियार थे, तो क्या उनका प्रयोग किया गया। और फिर हिम्मत कैसे पड़ी ऐसे अपराधियों की थाने में और बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में जहाँ कराने जा रहे थे, तो क्या इनकी इंटेलिजेंस की फेलियंस नहीं था। तो पूरी तरह से अच्छा, फिर देखिए इस तरह की घटनाएं, तो फिर अदालतों का काम है ना सजा देना, और ये सब इस तरह के अगर इनकाउंटर होने लगे इस तरीके तो फिर अदालतों का फिर काम क्या होता है।